दिल्ली स्थित यूपीएससी के छात्रों के लिए संचालित कोचिंग सेंटर में हादसे के बाद से लगातार अब पुलिस सतर्क नजर आ रही है। यूपी दिल्ली बिहार तक हड़कंप मचा है। हर जगह छापेमारी और फिर बेसमेंट सहित कमरों की जांच की जा रही है। कोचिंग सेंटरों को लेकर जैसे ही कई बच्चों की जान गई तो यूपी दिल्ली बिहार सरकार की नींद टूट गई। सोशल मीडिया पर सबसे वायरल और सबसे कम पैसों में कोचिंग देने वाली खान सर पर बड़ी खबर सामने आ गई। खान जीएस कोचिंग को बंद कर दिया गया। इसके साथ ही खान जीएस रिसर्च सेंटर के सामने ही नोटिस चिपका दिया गया है कि आज कोचिंग बंद रखने के लिए कहा गया है। अभी तक यह आदेश केवल एक दिन के लिए ही है क्योंकि खान सर ने अधिकारियों से मोहलत मांगी है। बताया जा रहा है कि जब छात्र क्लास के लिए कोचिंग पहुंचे तो उन्हें इसकी जानकारी दी गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक खान सर को भी इस मामले में नोटिस जाएगा। बताया जा रहा है कि कोचिंग संस्थान में बड़े पैमाने पर कमियां पाई गई है जिस कारण ये नोटिस दिया गया। प्रशासन के मुताबिक कोचिंग में वेंटिलेशन की समुचित व्यवस्था नहीं है, निकासी और प्रवेश के भी बेहतर इंतजाम नहीं है। सिटिंग अरेंजमेंट और बिल्डिंग बायोलॉज पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन की जांच कमेटी ने अपनी जांच में ये सारी खामियां पाई हैं जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। इसके साथ ही बिहार कोचिंग रेगुलेशन एक्ट का पालन नहीं होने की भी बात कही जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक खान सर ने जांच दल को जल्द कमियां दूर करने का भरोसा दिलाया है और अगले एक से दो दिनों में जिला प्रशासन नोटिस का जवाब भेजने के लिए उन्होंने कहा है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो खान सर के कोचिंग सेंटर भी पैमानों पर खरे नहीं उतरे हैं, जिसके बाद से ही इन सारे कोचिंग सेंटरों पर ताला जड़ दिया गया है। बता दें कि खान सर ने जिला प्रशासन की टीम से एक दिन के लिए मोहलत मांगी थी। उन्होंने कहा कि वो अपना सर्टिफिकेट कोचिंग इंस्टीट्यूट का जल्द ही दिखाएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली के राव कोचिंग सेंटर में जब से तीन बच्चे डूब कर मर गए उसके बाद से ही तमाम तरीके के सवाल खड़े होने लगे। इसी क्रम में दृष्टि आईएएस यानी सबसे वायरल विकास दिव्य कीर्ति के भी कोचिंग संस्थान को बंद कर दिया गया। इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों पर ताला लटका दिया गया। हालांकि विकास दिव्य कीर्ति ने खुद का बचाव भी किया है। बीते दिनों ही उन्होंने एक वीडियो में कहा कि वो इस घटना से बहुत ज्यादा दुखी हैं। दूसरी तरफ ओझा सर भी कोचिंग संस्थानों को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। एक चैनल से बातचीत के दौरान ओझा सर ने कहा कि मुझे और दिव्य कीर्ति को टारगेट किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चे खुद ब खुद आते हैं और अधिक पैसे पर कोचिंग करने की चाहत रखते हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली में कई सारे कोचिंग संस्थान हैं जिसके कारण बच्चे खुद यहां आते हैं और उन्हें लगता है कि दिल्ली में ही आने से उनका चयन हो जाएगा। फिलहाल खान सर के कोचिंग सेंटर पर लगे ताले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ढेर सारी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।